I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. And we are going to talk about future of evidence-based management. Now, when we talk about future of evidence-based management, remember that you always have to think out of the box. Think out of the box का मतलब ये होता है कि आप creativity and innovation के साथ बात करें. आप उन routine traditional patterns को छोड़ें. और आप इस बात पर एम्फोसाइज करें कि हमारे लिए जिद्दत हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए डेवलपमेंटल परसपेक्टिव वो कैसे डेवलप हो सकता है एंड वी कैन कम अपनी कॉम्बिनेशन यूनिक सोल्यूशन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स जिससे कि हम ज्यादा ऑप्टमाइज रिटर्न अपने हासिल वो कर सकें सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जब हम एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के फ्यूचर की बात वो करते हैं अब एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड याद रखिएगा कि हमें एविडेंस को बेस बनाना है अपने फैसले को करने के लिए सो यूज ऑफ एविडेंस इन डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और जब तक हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी रैशनैलिटी इनकम्प्लीट रहेगी द सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू यूज द एविडेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप कि जब लोगों को मोटिवेट करना है इंस्पायर करना है एस्पायर करना है तो उस केस में हम एविडेंस को मद्देनजर रखें कि माजी में कब कहां क्यों कैसे हमने लोगों को मोटिवेट किया उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिले उसके लिए हमें क्या रिप्रीकॉशन फेस करनी पड़ी और अब हमें लोगों को कैसे मोटिवेट वो करना है तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम लीडरशिप के केस में एविडेंस का जिक्र वो करते हैं देन शुड बी यूटिलिटी ऑफ एविडेंस और जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एविडेंस से जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो रिटर्न लोगों से शेयर करें सो दैट पीपल कुड नो कि इस एविडेंस को यूज करके उन्हें बेनिफिट्स एक्चुअली वो क्या हुए और इस एविडेंस के क्या क्या फायदे हैं जो कि फ्यूचर में वो हासिल कर सकते हैं और ऑब्वियसली जब हम एविडेंस का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें इट कैन बी द सिलेक्शन टेक्निक्स इट कैन बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इट कैन बी अप्रेजल मैथड्स जो कि हम यूज करेंगे टू क्रिएट द सोल्यूशन फॉर अवर प्रॉब्लम और इन तमाम के बारे में एविडेंस क्रिएट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा लाइकवाइज सिस्टमेटिक रिव्यू करना हमारे लिए जरूरी है हम चीजों को सिस्टमेटिकली स्टडी करें एनालाइज करें सो so दैट हमारे पास क्रिटिकल अप्रेजल के साथ साथ राइट आउटकम्स भी अचीव वो हो पाए जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो देर आर सर्टन लेसन दैट वी शुड बी लर्निंग और उन लेस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एविडेंस बेस्ड लीडरशिप ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप का नेमुल बदल नहीं है ट्रेडिशनली जो लीडरशिप प्रस्पेक्टिव में हम क्रिज्मा हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं लीडरशिप ऑफ एविडेंस बेस्ट भी इन्हीं चीजों को फोकस करती है लेकिन फर्क वहां पर आ जाता है कि ट्रेडिशनल चीजों को सिस्टमेटिकली कि स्टडी किया है चीजों को सिस्टमेटिकली एनालाइज किया है हम क्रिटिकल अप्रेजल से फैसले करना पसंद करते हैं सो so, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट इज मोर ऑब्जेक्टिव इन इट्स नेचर रादर देन के हम ट्रेडिशनल सब्जेक्टिव अप्रोच की बात वो करें इसी तरह द थर्ड एस्पेक्ट इज के हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को फोकस करते हैं हर फैसला हर क्रिएटिविटी हर इनोवेशन शुड बी बेस्ड अपॉन के हमारे पास उस चीज के हवाले से एविडेंस वो क्या था एंड ऑब्वियसली जब हम ये तमाम काम कर पाएंगे तो विल बी एबल टू क्रिएट एन एनवायरमेंट रखकर के के वो लेकर चलेंगे हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे जिन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके दे कैन डिवेलप एंड दर्गेनाइजेशन कैन बिकम मोर सस्टेनेबल एंड आउटकम ओरियंटेड अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो ये बात याद रखिएगा कि हमें एक लर्निंग परस्पेक्टिव में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है हमें नॉलेज मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स पर फोकस करना है हमें सिस्टमेटिकली चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है और क्रिटिकल अप्रेजल्स को बेस बनाकर हमें उन फैसलों को लेकर आना है जो कि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट वो दे सकें सो दैट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न की तरफ जा सके थैंक यू